सोडियम साइटोडियम नज़दीक से देखें। हाँ ये है हाँ। साइटोडियम ब्रायोफाइट्स, आप देख सकते हैं कितना ग्रीनिश स्पंजी स्प्रेडिंग दिख रहा है। यह हाईली मॉइस्ट कंडीशन में है और जो कि मॉइस्चर नमी में यह बेहतर ढंग से ग्रो करता है। इस तरह से NVRI में इसको कल्टीवेट किया जाता है। एज ये आप देख सकते हैं कि ये रिक्सिया मार्केंसिया कोगोनेटम इस तरह के जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट के, ब्रायोफाइट के प्लांट देखिए, सिंपोडियल ब्रांचिंग भी दिख रहा है और यहाँ पर मिड ड्रिप भी देख सकते हैं और वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स भी देख सकते हैं। ये NVRI का नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह ब्रायोफाइट्स कल्टीवेटेड एरिया है जहाँ पर ब्रायोफाइट की कई वेराइटियों को, स्पीसीज को कल्टीवेट किया जाता है। ये रिक्सिया है, ये रिक्सिया है, ये रिक्सिया है, ये रिक्सिया है, स्टेला इसमें है जी। और इसमें उन्होंने ये जो है तुम्हारा कुनेरिया है ये देखो इसमें आ रहा है ये। और वो मार्केंसिया, मार्केंसिया जो है एक मार्केंसिया पापिलाटा करके रहे अभी अभी भी पूरे प्रहिंद ये पूरा हमारा उसी का बेड रहा। तो एक ये हमारा बहुत गजब रहा, बहुत गजब रहा। इसका सीजन होता है गायब होने का, ये हमारा चला गया। ये एक प्लांट थोड़ा बचा है, ये वाले अलग हट गए। ये जितना है इसका जितना रहा भी हुआ आएगा। हाँ जब आप देख सकते हैं इस तरह से बड़े बड़े थैलस जो है मार्केंसिया के दिख रहे हैं और बहुत मार्केंसिया में जेमा कप भी बहुत अच्छे ढंग से विजिबल हो रहा है और कुछ रिक्सिया की वेराइटियाँ देखिए ये भी आप देख सकते हैं और ये मार्केंसिया की वेराइटियाँ। इस तरह से यह हाईली मॉइस्ट कंडीशन में हैबिटेट में यह कल्टीवेट किया जा रहा है और यह नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह कल्टीवेटेड ब्रायोफाइट्स हैबिटेट एरिया है। एक ऑल में मार पा रहा है यहाँ पर है प्लांट कुछ ये चल रहा है जी। इस तरह से ब्रायोफाइट की विभिन्न वेराइटियों को हम देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर छात्राओं को टूर एकेडमिक बॉटनिकल एकेडमिक टूर लेके आए हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। ये तरह तरह के प्लांट्स, एलगी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स, उसके गार्डन, उसके हैबिटेट को देख कर, उसके कल्टिवेटेड एरिया को देख कर, उनका अध्ययन भी बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है और उनको एकेडमिक अवेयरनेस मिल जा रहा है, मिल रहा है। तो NVRI से मैं डॉक्टर अवधेश कुमार आपको ब्रायोफाइट्स के इस गार्डन से परिचित कराया और फिर आगे कुछ और गार्डन से परिचित कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।